अरे अम्मा अम्मा मैडम त्वरगा रावाले दीके अर्णम गारिनि शालुवतो सत्करिस्तू उन्नारु इस देश का फिर एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए और रेवंत रेड्डी गारु मुख्यमंत्री ना 2019 नुंची अब आईना मुख्यमंत्री आई पर्यंत आई सॉ हिम इन द पार्लियामेंट ही वाज देयर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि एक आधा व्यक्ति मुख्यमंत्री होने के बाद महिलाओं का सम्मान भूल जाता है। प्रचार इलेक्शन आएंगे जाएंगे पर जिस क्षेत्र ने जिस तेलुगु लोगों ने या आंध्र तेलंगाना से तेलुगु जनाल्नी नाकु पेर इच्चिंदी नवनीत कौर यबरु इकड़ा तेलुगु जनाल्नी नाकु पेर इच्चिंदी नाकु मंचिदा तेलुसु कि तेलुगु लोग महिलाओं के सम्मान किस तरीके से करते हैं। किसी के ऊपर अगर कुछ थोड़ा भी संघर्ष आता है तो सब लोग एक तरफ हो जाते हैं। रेवंत रेड्डी गारी को आने वाले समय में जरूर दिखाना है कि इस स्टेट में और तेलुगु लोगों के बीच में अगर तेलुगु बेटी को अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसको कोई छोड़ेगा नहीं। आने वाले समय में मतदान के लिए मैं आपको एक विनंती करूंगी, पाकिस्तान से राहुल बाबू के लिए बड़ा सुंदर सुंदर सा प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा है। राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, बोले राहुल गांधी को जिताओ। राहुल गांधी बड़े अच्छे क्यों जिताओ? क्योंकि 14 के पहले जब देश में कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस पाकिस्तान के इशारों पे काम करती थी, इसलिए इस देश में कांग्रेस सही है ऐसा पाकिस्तान शब्दों में बोल रही है। अरे उनको एक चीज बता देती हूँ, बाप आखिर बाप होता है। बाप इस देश का प्रधानमंत्री, और आपसे सभी लोगों से विनती करूंगी कि आप लोगों ने अगर कांग्रेस को वोट किया तो इसका मतलब वो सीधा पाकिस्तान को वोट जाता है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से काम करती है देश को, इस देश के भारत देश के लिए, वो कांग्रेस पाकिस्तान के इशारों पे काम करती थी, पर नरेंद्र मोदी जी इस देश के लोगों के लिए काम करते हैं, इस देश के युवकों के बेरोजगारी के लिए काम करते हैं, महिलाओं को घर देने के लिए काम करते हैं, महिलाओं को गैस सिलेंडर देने से काम करते हैं, महिलाओं को हर घर तक नल देने के लिए काम करते हैं, महिलाओं के भविष्य के लिए चिंता करते हैं, महिलाओं की बेटियों के लिए काम करने वाले शब्द उनके इसमें रहते हैं। 33% आरक्षण भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं को दिया है, ये कांग्रेस ने नहीं दिया है। और लालू प्रसाद क्या बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, मतलब एससी एसटी का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समाज के लोगों को आरक्षण देंगे। ऐसा लालू प्रसाद बोलते हैं कि हमारे साथ कांग्रेस है तो कांग्रेस आने के बाद एसटी एसटी समाज का सब रिजर्वेशन हम मुस्लिम समाज को देंगे। अरे जब तक देश में नरेंद्र मोदी है और जब तक सूरज चांद है, इस देश का संविधान किसी का बाप, इस देश में जब तक संविधान है और संविधान खत्म करने की ताकत किसी के बाप में भी नहीं है, कोई अगर ऊपर से भी आ गया तो संविधान खत्म नहीं कर सकते। मी नेनु मी अंदर की कोरुकुंटुन्नानु कि मीर वोट इस्तुन्नप्पुडु ओक माट गुरिंचि वोट इव्वालि, ई वोट अरुणा अक्का चेप्पंडि आ मात्रे, इदि जिल्ला परिषद् इलेक्षन् कादु, इदि कॉर्पोरेशन् इलेक्षन् कादु, इदि नगर परिषद् इलेक्षन् कादु, इदि विधानसभा इलेक्षन् कादु, इदि देशं कि इलेक्षन् उंदि, देशं कोसं मतदान वोट कर चेयालि। मी अंदरिकि कोरुकुंटुन्नानु, मीरु अंदरू तयारु उन्नारुगा, मी अंदरू फैट् कोसं तयारुगा उन्नारुगा, एवरिकि गेलचारि? అరుణ అక్కకి ఇంత లీడ్ ఇస్తున్నారు, కితనే లోగ్ అరుణ అక్కకి సాథ్ హై, హాత్ ఉపర్ కర్కే అక్కకు ప్రామిస్ కీజియే, ఆప్ లోగ్ అప్
आपने सिर्फ वोट से समाधानी नहीं होना है, घर घर में जाना है, मतदान निकालना है और महबूब नगर का अगर नाम बदलाना है तो हक्का को पूरे देश में सबसे ज्यादा हकदीक मतदान देकर वोटिंग कर हक्का को जिता के लाना है। इतना ही सभी को मैं प्रार्थना करूंगी और विनंती करूंगी और सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। एक बार जोर से, इस देश में रहना है तो जय श्री राम।